ड्रीम्स आर नॉट व्हाट वी सी इन स्लीप, इट्स समथिंग दैट डज नॉट लेड टू स्लीप। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी एक दिन रोबोट बनाऊंगा। 8 साल पहले यह सफ़र शुरू किया था और इन 8 सालों मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने रोबोटिक्स सीखी, कोडिंग सीखी, फोटोग्राफी की, वीडियो एडिटिंग किया, यूट्यूब पे भी चैनल बनाया, प्रोजेक्ट्स किए, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। जब हम 8-9 क्लास में होते हैं और हमारा IIT का सपना शुरू होता है, उस वक्त मुझे IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे में जाने का मौका मिला। इन 8 सालों में मुझे ऑलमोस्ट पूरा महाराष्ट्र और उसी के साथ इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, तमिलनाडु, इन सब में मुझे प्रेजेंट करने का मौका मिला। इस सफ़र में मुझे प्रोफेसर अनिल गुप्ता, डॉक्टर विजय भटकर, डॉक्टर मनीष भोयर ऐसे बहुत बड़े लोगों से मिलने का और उनसे सीखने का भी मौका। कहानी की शुरुआत होती है 2014 से। ये 9 साल का लड़का जिसका ये सपना है कि एक दिन ये भी रोबोट बनाएगा। बचपन से ही मुझे रोबोटिक्स और कोडिंग बहुत इंटरेस्ट था और इसी इंटरेस्ट को देखते हुए पापा ने कहा कि चलो MSCIT से शुरू करते हैं। मैं था सिर्फ 9 साल का और इसी के चलते मुझे किसी इंस्टीट्यूट्स ने पहले अलाउ ही नहीं करा इस कोर्स के लिए। कहते थे कि बहुत छोटा है, इंजीनियरिंग का कोर्स है, इंग्लिश नहीं समझ पाएगा। ट्राई करते करते एक दिन एक इंस्टीट्यूट ने मुझे अलाउ किया और वहाँ पर सर ने मुझे इस कोर्स के लिए परमिशन दी। मुझे कंप्यूटर को लेकर क्यूरियोसिटी इतनी थी कि मुझे भी सर ने बड़ी इंटरेस्ट से पढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों बाद मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ थ्योरी लेक्चर्स अटेंड करने लग गया। जिस उम्र में 2 1 2 और 2 2 4 के टेबल्स पढ़ने पड़ते हैं, उस वक्त मैं बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर नेटवर्क्स, MS Office इन सब चीज़ें के बारे में सीख रहा था। अभी MSCIT में 90% लाने के बाद कोर्स कम्प्लीट हो गया और उसके बाद मैंने शुरू कर दी वेबसाइट डेवलपमेंट। अभी इतना करके भी मेरा मन नहीं भरा क्योंकि एक दिन मैंने स्कूल में कुछ बच्चों को स्केटिंग खेलते हुए देख लिया और फिर क्या, मैंने भी ठान लिया कि मैं भी स्केटिंग खेलूंगा। पापा हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई में भले मार्क्स कम आ जाए लेकिन फिटनेस हमेशा रहनी चाहिए, तो फिर क्या मेरी भी रोज़ स्केटिंग की प्रैक्टिस शुरू हो गई। मुझे सबसे पहले जब रोलर स्केट्स मिले तो मैं इतना खुश हुआ था कि जैसे GE Aspirants का GE Advance फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया हो। मैं बहुत खुश था। रोलर से स्क्वाड पे आया और पता ही नहीं चला कि कब डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से इंटरनेशनल तक मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब साल आता है 2015। इंटरनेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद मैं वापस घर आ रहा था और दिमाग में बात चल रही थी कि यार रोबोट बनाएंगे इस साल। वापस घर आता हूँ, मेरे दो दोस्तों से बात करता हूँ और मैं और मेरे दो दोस्त मिलके हम बनाते हैं कार्डबोर्ड शीट का रोबोट और जिसका नाम हम रखते हैं सैम। अभी ये बात तो पता थी कि यार रोबोट चलता है या फिर काम करता है, बात करता है, लेकिन ये पता नहीं था कि अभी रोबोट को चलाते कैसे हैं। तो फिर क्या, जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ मिली उसको खोलने लग गए, कभी रेडियो तो कभी रिमोट कंट्रोल की कार तो कभी वॉशिंग मशीन। उसके बाद मेरे पापा ने मेरा एक रोबोटिक्स के वर्कशॉप में नाम एनरोल करा। वहाँ भी सेम इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ बैठ के मैं रोबोटिक्स का वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। उस वक्त मैं 5th क्लास में था और 5th क्लास में हमें EVS सब्जेक्ट होता है और EVS सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ मैं वहाँ पे रोबोटिक्स, सेंसर्स और प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहा था। कभी इतना उसका प्रेशर नहीं लगा है रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, सेंसर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट ही इतना था। बचपन से सपना जो था कि रोबोट बनाना है। तो फिर क्या, एक मैंने इंजीनियरिंग प्रोफेसर से मिला, स्टूडेंट से मिला, उनसे सीखा और एक महीने बाद मैंने भी बना लिया रोबोट और उसका नाम था मल्टीपर्पज वॉइस कंट्रोल रोबोट। उस वक्त न्यूज़पेपर मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि किसान की केमिकल स्प्रेइंग करते हुए डेथ हो जाती है, तो दिमाग में ये ख्याल आता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्यों ना हम इस रोबोट को केमिकल स्प्रेइंग के लिए यूज़ किया जाए। 4-व्हीलर का जो वाटर स्प्रिंकलर होता है वो रोबोट पे फिट कर दिया और उससे बना दिया मैंने एक एग्रीकल्चर रोबोट और उसी वक्त ठान लिया था कि इस रोबोट को हम किसानों तक पहुंचाएंगे। अब साल आता है 2016 और मैं अपना प्रोजेक्ट तालुका स्तरीय साइंस एग्जीबिशन में प्रेजेंट करता हूँ और पहली बार ही मुझे फर्स्ट रैंक मिलती। वो फर्स्ट टाइम था कि मैंने बिना डरे सबके सामने मेरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया था और फर्स्ट रैंक से ज़्यादा वही मेरे लिए बड़ी बात थी। बचपन से मुंबई के बारे में बहुत सुना था, कहते हैं कि उसे सपनों का शहर कहते हैं और मेरा भी एक सपना था कि यार किसी दिन हम भी मुंबई जाएंगे और ये सपना पूरा था एग्जीबिशन की वजह से। मेरा सिलेक्शन CBSE रीजनल लेवल साइंस एग्जीबिशन में होता है और मुझे फर्स्ट टाइम ट्रेन से भी ट्रैवल करने का मौका मिलता है और मैं मुंबई को पहली बार देखता हूँ। रीजनल लेवल से मेरा नेशनल पे सिलेक्शन हो जाता है और वो नेशनल लेवल होता है दिल्ली में।
और मुझे पहली बार प्लेन से ट्रैवल करने का और दिल्ली देखने का भी मौका मिलता है। दिल्ली में एग्जीबिशन के साथ साथ मैंने राष्ट्रपति भवन भी देखा। राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद बड़ा ही प्राउड फील होता है कि यार एक दिन हम भी हमारे देश के लिए कुछ करेंगे। दिल्ली से मैं एग्जीबिशन कंप्लीट करके आता ही हूँ कि मुझे टीचर का मैसेज आता है कि अनिकेत आपका इंस्पायर एग्जीबिशन में सिलेक्शन हो गया है। अब साल 2017 में ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं इंस्पायर एग्जीबिशन में मेरा प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा था और उस वक्त मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए 10,000 रुपये का फंड भी आया था। उस फंड से मैंने मेरे प्रोजेक्ट को डेवलप किया और साथ ही में मेरा स्टेट लेवल के लिए भी सिलेक्शन आता है। वहाँ पर मुझे डॉक्टर मनीष भोर से भी मिलने का मौका मिलता है। 2017 में कुछ ऐसी बात हो जाती है कि यार जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरे प्रोजेक्ट का हो जाता है पेटेंट पब्लिश 20 जनवरी 2017। अब अगले साल यानी 2018 में मैं अपना प्रोजेक्ट जलगांव लेके जाता हूँ इंस्पायर अवार्ड स्टेट एग्जीबिशन के लिए। वहाँ पे पूरे महाराष्ट्र से अपने स्टूडेंट्स आइडियाज और प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए आए थे और वहाँ से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का नेशनल के लिए सिलेक्शन होने वाला था। पूरी मेहनत करी, प्रेजेंटेशन बनाए, पीपीटी बनाई, प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर किया, अच्छे से डेवलप किया और मेरा भी नेशनल के लिए सिलेक्शन जाता है। वहाँ से आने के बाद मैं अपना प्रोजेक्ट ग्लोबल नागपुर समिट, कृषि महोत्सव, बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन और ऐसे बहुत से एग्जीबिशन और प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन में मेरा प्रोजेक्ट प्रेजेंट करता हूँ। जब से मैंने रोबोटिक्स और एग्जीबिशन की जर्नी शुरू की है तब से मेरा न्यू ईयर किसी और ही शहर में सेलिब्रेट हुआ है और ये साल था 2019 और ये न्यू ईयर मेरा शुरू होता है IIT बॉम्बे से। और उस वक्त मुझे IIT बॉम्बे का कैंपस, वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ की रिसर्च लैब में काम करने का भी मौका मिलता है। उस वर्कशॉप में मुझे स्टार्टअप, फंडिंग, इंक्यूबेशन, प्रोटोटाइप, प्रोडक्ट मार्केटिंग, इन सब के बारे में सीखने को मिला। वहाँ के स्टूडेंट से मिला, प्रोफेसर से मिला, बहुत अच्छी बातें हुई, अच्छा नेटवर्क क्रिएट हुआ, दोस्त बने और बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी इस रोबोटिक्स के साथ मेरी कोडिंग की भी जर्नी शुरू थी। हर रोज कोडिंग की भी प्रैक्टिस करता था और कोर्सेस करता था और एक दिन मैंने भी किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया। मुझे कॉल आता है एक दिन बैंगलोर की एक कंपनी से कि आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया है, तो एक डेट दी जाती है कि इस दौरान आपको बैंगलोर आना है इंटरव्यू के लिए। अभी उस वक्त उन्हें ये बात पता नहीं थी कि मैं 8th क्लास में हूँ, उन्हें लगता था कि मैं कोई डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। जब मैं बैंगलोर पहुँचता और उनके ऑफिस में एंटर करता हूँ और मेरी हाइट देख के वो सब शॉक में हो जाते हैं और मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, आप कौन सी क्लास में हो? वो सब हैरान हो जाती कि यार 8th क्लास का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। 3-4 घंटे मैंने कंटिन्यूसली मेहनत करी और कोडिंग करी और एक वेबसाइट बनाई और मेरा भी सिलेक्शन हो गया इंटर्नशिप के लिए। बैंगलोर से जब मैं वापस आया और जब स्कूल में मैं गया तो मेरे दोस्त कहते थे कि यार तेरा तो सेट है, 5,000 की नौकरी जो लग गई, 2 महीने सेव कर लेगा तो एक मोबाइल आ जाएगा। पर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं ये सोच रहा था कि यार मेरे जैसे भी कोई और बच्चे होंगे जिन्हें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना है, उनके भी कोई इंटरेस्ट होते होंगे, बट उन्हें वो प्लेटफॉर्म या फिर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती होगी। ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। उसी साल मुझे IIT दिल्ली भी जाने का मौका मिलता है। वहाँ पे DST के चेयरमैन भी मेरे प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट करते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद मुझे स्कूल से एज अ स्पीकर बुलाना शुरू करते हैं। मैं अपनी इनोवेशन के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने लग गया था। इन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का बेनिफिट ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होता है। बचपन से ही मैं बड़ा इंट्रोवर्ट रहा हूँ। जब भी कोई क्लास में कोई टीचर सवाल पूछ ले तो मेरा हाथ कभी खड़ा नहीं होता था। ये सोचता था कि यार बाजू वाला क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे, वो हंस दिए तो क्या। लेकिन आज मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं स्टेज पर जाके प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। उसके बाद मैंने NCC भी ज्वाइन किया, उसके कैंप अटेंड करे। एक खास बात ये थी कि स्कूल स्टूडेंट के हाथ में पेन होना चाहिए, लेकिन NCC कैंप में मैं राइफल लेके निशाने लगा रहा था। NCC कैंप का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। 7 दिन के लिए अपने घर से अलग किसी कैंप बेस पे रहना, वहाँ की डिसिप्लिन, खुद का काम खुद करना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरी सक्सेस स्टोरी अटल वॉल ऑफ फेम, यूथ की आवाज़, इंटर्नशाला ब्लॉग, ब्रेनफीड मैगजीन, हायर एजुकेशन प्लस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लोकमत, सकाळ, ऐसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में पब्लिश हुई थी। और उसी साल मेरी न्यूज़ दूरदर्शन पर भी कवर हुई थी। अब साल आता है 10th का। 10th पास नहीं करी होती कि सब पूछने लग जाते कि बेटा IIT करोगी कि नीट। मैं सोचता हूँ यार 10th तो पहले कंप्लीट करने दो। इस साल ये सोचा था कि यार पढ़ाई पे ध्यान देंगे और बाकी एक्टिविटीज़ थोड़ी कम करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा इस साल मैं और 2-3 एग्जीबिशन प्रेजेंट करता हूँ और साथ में 10th की भी पढ़ाई करता हूँ और 90% के साथ मैं अपनी 10th कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद तो दिमाग में बड़े प्लान थे कि यार ये प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, यहाँ जाएंगे, वो करेंगे,
लेकिन जैसे ही हमारी एग्जाम कंप्लीट होती है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस कर देते हैं, और ये 21 दिन कब 21 महीने में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। पूरा वर्ल्ड हमारा कोविड के टाइम से गुजर रहा था, सब लॉकडाउन की वजह से घर पे थे, स्कूल कॉलेज सब बंद थे, लोगों की जॉब चली गई थी, ऑफिस बंद थे, बस सब प्रॉब्लम ही थे, और बस एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये लॉकडाउन खुलेगा। इस लॉकडाउन के दौरान मैंने एक इनोवेशन बनाया था, सैनेटो सैनिटेशन मशीन, जिसके लिए मुझे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड अवार्ड मिला था, और मैं बहुत ही खुश था क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेरे इंस्पिरेशन, बचपन से उनसे मैं फॉलो करते आ रहा हूँ, और उनके नाम का अवार्ड मिलना मतलब मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट थी। इस दौरान मुझे याद आता है कि यार एक सवाल मैंने खुद से पूछा था कि मेरे जैसे भी कुछ और बच्चे होंगे जिन्हें अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। इस सफ़र में सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट मेरे पापा का रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ को सीखने के लिए मना ही नहीं किया। उन्होंने कहा फोटोग्राफी सीखनी हो तो फोटोग्राफी सीख, वीडियो एडिटिंग कर, यूट्यूब पे आ, रोबोटिक्स कर, कोडिंग सीख, वेबसाइट डेवलपमेंट कर, लेकिन रुक मत, जो करना है वो दिल से कर, जो सीखना है वो दिल से सीख, बस रुक मत। और ये मेरा भाई, वो हमेशा मुझे मेरे काम में मदद करता था, और हमने लॉकडाउन में एक एस्ट्रोनॉमी लैब सेटअप की थी, और इसी दौरान मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन एन्फोसिस की शुरुआत की। हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने 2017 में रजिस्टर कर लिया था, लेकिन इसकी एक्टिविटीज़ 2020 से शुरू हुई। सबसे पहले मैंने इनस्पेस कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करी, उसके बाद इनोवेटिव इंटरव्यू कॉम्पिटिशन, फिर माल न्यूट्रिशन क्विज कॉम्पिटिशन, और ऐसे काफ़ी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किए स्टूडेंट्स के लिए। इस एक्टिविटीज़ और कॉम्पिटिशन से काफ़ी अच्छी हमारी टीम बन गई, स्टूडेंट्स का नेटवर्क क्रिएट हुआ, और आगे चलकर हम काफ़ी एक्टिविटीज़ करने लग गए। अभी ये 2 साल के बाद मैं 12th में चला जाता हूँ, और 2022 में अपने 12th की एग्ज़ाम कंप्लीट करके चला जाता हूँ तमिलनाडु शोध यात्रा के लिए। वहाँ पे मुझे प्रोफेसर अनिल गुप्ता, चेतन पटेल सर, और काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर्स, NGOs और फिल्म मेकर से मिलने का मौका मिलता है। वहाँ पे तमिलनाडु में मैंने उनके कल्चर के बारे में सीखा, वो लोग कैसे लाइफ अपनी जीते, उनको क्या प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में समझा। शोध यात्रा के बाद हमारी टीम रामेश्वरम गई, और वहाँ पे हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मेमोरियल पे गए, और मैंने उनका घर भी देखा। वहाँ से वापस आने के बाद मैं एक इनिशिएटिव शुरू किया, पेन बैंक। जब भी हम इंडिया में प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करते हैं तो कभी उसमें पेन को इन्वॉल्व नहीं करते, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हर एक स्कूल में पेन बैंक सेटअप की जाए, जहाँ पे बच्चे अपना यूज पेन फेंकेंगे और हम वो कलेक्ट करेंगे, उसे रिसाइकल करेंगे, अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। हम आज भी जब स्कूल में जाते हैं तो बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर। कभी सोचा नहीं था कि इस एक्टिविटी को इतना रिस्पॉन्स मिलेगा, और उसी वक्त ठान लिया था कि इस पेन बैंक की एक्टिविटी को लाइफ टाइम चलाएंगे और अपने देश के लिए कुछ करेंगे। इस सफ़र में मुझे मेरे फैमिली ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि ना ही मैं कोई इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और ना ही मेरी कोई फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी थी। मुझे आज भी याद है कि जब हमने मेरा नया कैमरा खरीदा तो कितनी तकलीफ हुई थी। लोग आज भी कहते थे ये क्या सेकेंड हैंड कैमरे शूट कर रहे हैं, कोई नया कैमरा ले ले। तकलीफें तो हर जगह थी, रोबोटिक्स के वक्त भी थी, जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, यूट्यूब पे आया, लेकिन मैं उसके बावजूद भी करता रहा और आगे भी करता रहूँगा।